उज्जैन जिले के लोकमान्य तिलक विद्यालय में एक 7 साल की बालिका के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बालिका के साथ विद्यालय में एक महापौर विद्यालय के कुछ छात्रों ने दुष्कर्म करने की कोशिश की थी, जिसके डर से बालिका ने विद्यालय आने से इनकार कर दिया था। दरअसल मामला एक माह पुराना है, जब क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने स्कूल से आने के बाद दूसरे दिन स्कूल जाने से मना कर दिया। परिजनों के लगातार पूछने के बाद भी डर से छात्रा ने स्कूल आने से इनकार कर दिया। शुक्रवार को परिजनों द्वारा दोबारा पूछने पर बालिका ने घटनाक्रम बताकर कहा कि उक्त लड़कों द्वारा बालिका को किसी को कुछ नहीं बताने की धमकी दी गई थी, यदि किसी से कुछ कहा तो चाकू मार देंगे। परिजनों द्वारा तुरंत घटना की सूचना नीलगंगा और साइबर सेल को दी गई। इसके बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। स्कूल प्रशासन से भी पूछताछ की जा रही है। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। देखिए, कल पेरेंट्स मेरे पास आए थे लगभग 11 बजे कि बच्ची ने उनको बताया परसों रात को कि उसके साथ में कुछ बच्चों ने विद्यालय में महीना भर पहले कुछ हरकत की थी और उसके तहकीकात करने के लिए उन्होंने हमसे अनुरोध किया था, हम उनको सहयोग कर रहे हैं। कल जो है आपने परिजनों को भी बोल दिया था कि प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया है। कल उन्होंने कहा था कि हमें आपके ऊपर विश्वास है और आप जो भी करेंगे। अपने का भी हमारा एक बच्चा थोड़ी है, 1750 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, सारी बच्चों की सुरक्षा का मामला है, तो जो भी है हम आपको सहयोग करेंगे। फिर भी आपको अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप पुलिस के थ्रू भी कर सकते हैं, हम उसमें भी आपका सहयोग। मैडम, परिजन ने आपसे आकर ये शिकायत की थी कि हमारी बच्ची के साथ में कुछ अनुचित व्यवहार वॉशरूम में हुआ है और वो बच्ची पहली कक्षा में पढ़ती है, 6-7 साल की है, और वो कह रही थी कि बच्चों के ना तो मैं नाम जानती हूँ और न उनके चेहरे पहचान सकती हूँ और उन्होंने क्या किया है वो भी वो बताने की स्थिति में नहीं। क्या हथियार नहीं, हथियार का जिक्र नहीं किया। उसने कहा कि किसी बच्चे ने उससे कहा कि अगर तुम माता पिता से शिकायत करोगी, टीचर से शिकायत करोगी तो हम तुम्हें मार देंगे। सीसीटीवी फुटेज भी जो है आपके स्कूल में है ना, हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए सब जगह पर। बच्चों के वॉशरूम्स अलग अलग बने हुए हैं, छोटे बच्चों के वॉशरूम्स में, स्पेशली गर्ल्स के वॉशरूम में कोई बड़े बच्चे जाने अलाउड नहीं। मैडम कब? उनको मालूम नहीं है, लेकिन वो महीना भर पहले की बात बता रहे हैं। जब स्कूल चालू था तब से, चूंकि बच्चों की परीक्षा शुरू हो गई थी, हाँ। तो तब से तो बच्चे एक दिन एक क्लास के आते, दूसरे दिन दूसरे क्लास। मैडम, बड़े और छोटे बच्चे साथ में आते ही नहीं। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम है डॉक्टर संगीता पातकर, मैं यहाँ पर प्राचार्य हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।